नमस्कार, जेके न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। जी नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट नोएडा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन दर्जनों दिव्यांग बच्चों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम नोएडा सेक्टर 55 की स्थित कम्युनिटी सेंटर में किया गया, जिसमें शहर वासियों के अलावा राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट नोएडा के मुख्य न्यासी राजन कुमार श्रीवास्तव द्वारा नोएडा के सेक्टर 55 में यह कार्यक्रम कल आयोजित किया गया था, जिसमें दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजन कुमार श्रीवास्तव ने पूजा अर्चना के साथ की, जो देर शाम तक चलती रही। यह संस्था पिछले 5 वर्षों से नोएडा में ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य खेल, चिकित्सा, शिक्षा व व्यवसाय के क्षेत्र से दूर रह रहे लोगों को आगे लाकर उनको सही मार्गदर्शन कराना है। संस्था के न्यासी राजन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाल ही में हमने दिल्ली से लखनऊ तक इन दिव्यांग बच्चों को एक हवाई यात्रा कराई और लखनऊ में महामहिम राज्यपाल राम नाईक से उनकी मुलाकात भी करवाई। कल इस कार्यक्रम की शुरुआत एक संगीतमयी शाम के साथ की गई, जिसमें दिव्यांग बेटियों ने भी मंच पर जमकर समा बांधा। अब मैं बताऊंगा आपको, नीतू सिंह जी जो है महासचिव है यहाँ ब्लाइंड स्कूल की, मैं जब इनसे पहली बार बात किया तो मुझे लगा कि वाकई में एक जुझारू, जो जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 60-65 बच्चों को जो देख नहीं सकते उनको अपने साथ रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जब मैं इनसे बात किया कि मैं इनको हवाई जहाज़ की यात्रा कराना चाहता हूँ, तो पहले तो इनको लगा कि शायद कोई ऐसे ही कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। और मैं फिर इनके पास गया, ये संत नगर बुढ़ाड़ी में रहते हैं, ये सारे बच्चे वहीं रहते हैं। मैं इनके पास गया, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने बच्चे दीजिए हमें और हम उनको ले जाएंगे, लखनऊ ले जाएंगे, वहाँ पे इनको बढ़िया सा एक प्रोग्राम भी दिखाएंगे और साथ में गवर्नर साहब से भी मिलवाएंगे उन बच्चों को। जब इनको विश्वास हुआ तो फिर उन्होंने हाँ कहा और उन सब बच्चों को ले जाया गया। इनके उस समय लगभग 37 लोग की टीम थी इनकी, और साथ में दिल्ली जो ओलंपिक, दिल्ली ओलंपिक गेम्स के बच्चे, जो पारा ओलंपिक जिसको बोलते हैं, उनके बच्चे लगभग 35 बच्चे उनके थे, तो सब मिला के 70-72 लोग ये थे। और बाद में हमारी जो डॉक्टर की टीम, शिक्षक, कोच, ये सब सारे साथ में थे, सब मिलाकर 111 लोग थे। हम लोग लखनऊ गए, वहाँ पे काफ़ी, ये तो मैं चाहूँगा कि नीतू सिंह जी अपनी मुँह से बताएं कैसा इनको लगा वहाँ का। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि हमारी संस्था पूरी कोशिश करती है कि समाज के उन बच्चों को भी वो शिक्षा दे जो कंप्यूटर जैसी शिक्षा, जो कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है। गांव में लड़कियों को नहीं बाहर निकलने दिया जाता, उनको कहा जाता है कि शाम होते ही तुम्हें रहना है, सुबह स्कूल जाना और 2 बजे तक आ जाना उसके बाद। तो वहाँ गाँव में जाकर इन बच्चियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई, आज उन्हीं का सर्टिफिकेट वितरण है। साथ में हमारे शहर के लोकप्रिय नेता डॉक्टर महेश शर्मा जी का सम्मान है आज यहाँ पे, जो बहुत ही बहुमत से विजयी हुए हैं, तो उनका भी सम्मान है। वो 7:30 तक हमें बोले हैं कि हम आ जाएंगे, और साथ में जो भी हमारे सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं उनमें भी जो अति विशिष्ट, अति बुजुर्ग लोग हैं उनका भी आज सम्मान है। साथ में उन बच्चों का भी सर्टिफिकेट वितरण है जो बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा लिए हैं। साथ में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ भी, उन्हें भी हम लोग कुछ पारितोषिक गिफ्ट देंगे यहाँ पे। जेके न्यूज़ की और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जेके न्यूज़।